मैं आवाज देना चाहता हूं जिनको 2018 में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आपने सौंपा था और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का चुना था, और हमारे भविष्य के होने वाले भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, वो आए और आप सबको संबोधित करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आदरणीय प्रियंका जी, रणदीप सुरजेवाला जी, गोविंद सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, कमलेश्वर पटेल जी, हमारे विधायक ओंकार भाई, डॉक्टर गोविंद सिंह तो बोल दिया मैंने, ओंकार भाई, डॉक्टर मस्कोले, हमारे बाकी भी सबका नाम मैं नहीं ले रहा, हमारे सभी यहाँ आदरणीय विधायक और आसपास से आए हुए सभी नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मेरे साथ पहले नारा लगाइए, बड़ा देव की, नर्मदा मैया की, रानी दुर्गावती की, जल जंगल और जमीन के यहाँ जो सब सच्चे साथी आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। प्रियंका जी ये ही सही हमारे साथी हैं, हमारे जल जंगल और जमीन जिनका पहला अधिकार है, जिनका वो ये साथी यहाँ उपस्थित हैं। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। मैं देश के आदिवासी महामानवों को प्रणाम करता हूँ, मैं भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूँ, मैं रानी दुर्गावती को प्रणाम करता हूँ, रघुनाथ शाह को प्रणाम करता हूँ, शंकर शाह को प्रणाम करता हूँ, टांटिया मामा को प्रणाम करता हूँ, बादल भोई को प्रणाम करता हूँ, भीमा नायक को प्रणाम करता हूँ, खाजिया नायक को प्रणाम करता हूँ, सीताराम कंवर को प्रणाम करता हूँ, रघुनाथ सिंह जी को प्रणाम करता हूँ, सब हमारे देश के, केवल इधर के नहीं, हमारे देश के आदिवासी नेताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर, बहुत पुराना संबंध है, मैंने अपने जवानी का बहुत समय मंडला में काटा है, आप सब जब मैं देखता हूँ इतने सारे चेहरे, इतने सारे पुराने चेहरे जो मेरे साथ उस समय लगा रहते थे, भाई हैं बहनों, याद है आपको, तो यह आकर मुझे बड़ी खुशी होती है, पर दुख भी होता है। आज क्या हालात है हमारे प्रदेश के, हमारे मंडला के, हमारे नौजवानों के भविष्य का, क्या हाल है भ्रष्टाचार का। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आई हैं जहां बेरोजगारी पूरे देश भर में नंबर वन है। अभी पलायन की बात हो रही थी, हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, और आज का नौजवान जो निराश चेहरे हैं इनके, इनमें हमें मुस्कुराहट लानी है। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जो सबसे भ्रष्ट प्रदेश है देश में, सही बात है, भ्रष्टाचार, आप सब यहां बैठे हैं, आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं? क्या हाल है भ्रष्टाचार का, पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखा लो, सही बात है, ये आज हालात भ्रष्टाचार के हैं। आज हमारा किसान, भटकता किसान, जो कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी सही मूल्य के लिए, प्रियंका जी आप उस प्रदेश में आए हैं, और अब तो मैं आपसे लंबी बात नहीं करना चाहता, आपसे ये कहना चाहता हूं, 32 दिन बचे हैं जब चुनाव आएगा, 17 नवंबर को चुनाव है, ये किसी केवल उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, ये केवल किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश और मंडला के भविष्य का चुनाव है, और ये भविष्य सुरक्षित रखना, प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना, मंडला का भविष्य,
डिंडोरी का भविष्य सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। याद रखिएगा, जो आप बटन 17 तारीख को दबाएंगे, आप किसी उम्मीदवार का केबल नहीं दबाएंगे। वो बटन जो आप दबाएंगे, वो हमारे नौजवान है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दबाएंगे। ये बात आपको समझनी है। बहुत सारे गुमराह करने आएंगे। 18 साल शिवराज सिंह जी ने राज किया, मैं भी था मुख्यमंत्री 15 महीनों के लिए, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में दे। 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नियत का परिचय किया, एक शुरुआत करी। हमने जब कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पूरे प्रदेश में पहले किस्त में माफ किया और मंडला में 23,000 किसानों का कर्जा माफ किया। हुआ? ये पहले किस्त में था। कौन सी गलती करी मैंने? मैंने कहा हम बिजली देंगे 100 यूनिट 100 रुपए में, मैंने बिजली दी। कौन सी गलती करी? कौन सा गुनाह किया मैंने? मैंने पेंशन बढ़ाई, मैंने विवाह के लिए पैसा दिया। कौन सा गलत काम मैंने किया? मैंने 1,000 गौशाले बनाए। कौन सा पाप मैंने किया? यह तस्वीर आप सबके सामने है और शिवराज सिंह जी की सरकार की तस्वीर भी आपके सामने है। आज इतनी 13 सालों से चल रही है ये मंडला जबलपुर की सड़क, आज भी ये अधूरी है। यहां कोई रेल, सही रेल या सड़क की सुविधा नहीं है। मंडला की जो सड़क जबलपुर को जोड़ती है, कितनी महत्वपूर्ण है हमारे मंडला के लिए। आज हम नर्मदा के किनारे हैं पर पेयजल की समस्या है, कितनी शर्म की बात है। नर्मदा के किनारे और पेयजल की समस्या, सरकारी कार्यालय मंडला में बंद होने लग गए, ये आप जानते हैं, आप गवाह हैं। हमारे बिजली का कारखाना, सिंचाई का मुख्यालय यहां से भेज दिया गया बाहर। ये तस्वीर आप सबके सामने है और मैं तो ये कहूंगा कि शिवराज सिंह जी से एक प्रश्न पूछता हूं। शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या मैं पूछना चाहता हूं। आपने महंगाई दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने बेरोजगारी दी। शिवराज सिंह जी, आपने तो घर घर में शराब दी, ये शिवराज सिंह जी ने किया। और ये तस्वीर आप सबके सामने है। बहुत पुराना संबंध है आप सबके साथ, बहुत पुराना संबंध है और मैं आपको आज वचन देना चाहता हूं कि पैसा कानून जो इन्होंने 18 साल बाद लागू किया, इसके जो नियम है आप बनाएंगे, नियम हम नहीं बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएगी, आप ऐसे नियम बनाएंगे ताकि आपको आपका अधिकार मिले। हम विश्व आदिवासी दिवस, जो मैंने पहले इसकी घोषणा करी थी और चालू किया था, इसको फिर से चालू करेंगे। हम इसकी छुट्टी तो होगी पर जगह जगह विश्व आदिवासी दिवस का हम उत्सव मनाएंगे। हम बैकलॉग भर्ती, इतनी सारी भर्ती बैकलॉग में है, हम बैकलॉग भर्ती पूरी करेंगे। ग्राम में बर्तन बैंक बनाएंगे, बर्तन बैंक बनाएंगे कि आपके जो त्योहार हैं, आपके जो फेस्टिवल्स हैं, आपका सम्मान से हो सके। जितने भी वन अपराध के केस हैं, इनको हम वापस लेंगे। और ये मैं कहना चाहता हूं, जिनको अपात्र इन्होंने कर दिया था, इन्होंने यहां 3,200 पट्टों को निरस्त को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं आपकी समिति बनाऊंगा, सरकारी समिति नहीं। प्रदेश चलाना है, आपको चलाना है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी चुनौती हमारे मध्य प्रदेश में, सबसे बड़ी चुनौती हमारे मंडला डिंडोरी में हमारे नौजवानों का भविष्य है।
अगर नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर उनका भविष्य अंधेरे में रहा तो क्या निर्माण होगा? सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम देंगे जो रिक्त पद है, जिनमें हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। रोजगार हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, मुझे मंडला पर पूरा विश्वास है, मंडला पर पूरा विश्वास है। अगर छिंदवाड़ा के बाद किसी जिले पर मेरा पूरा विश्वास है तो मंडला पर विश्वास है पूरे देश भर में। मैंने इतना समय यहां काटा हुआ है, यहां के गांवों में मैंने धक्के खाए हुए हैं, तो आज वो सब यादें मेरे पास हैं। छिंदवाड़ा के बाद आज आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, सबसे ज्यादा प्राथमिकता मंडला को मिलेगी। पर आपके हाथ में है कि आप अपना भविष्य सुरक्षित रखना, आप अपना भविष्य सुरक्षित रखना, ये आपके हाथ में है। और मुझे पूरा विश्वास है, दाएं मत देखिएगा, बाएं नहीं देखिएगा, ऊपर मत नीचे देखिएगा, नीचे मत देखिएगा, इन नौजवानों का चेहरा देखिएगा, इन माताओं और बहनों का चेहरा देखिएगा और ऐसा फैसला करिएगा कि मंडला की सभी सीटों का झंडा हमारी विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सब बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं और हम सबको ये पता है, हमारी आदरणीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी को भी ये पता है कि आप बहुत दूर दूर के अंचलों से यहां पर आए हैं उनको सुनने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए। और उनको आवाज देने से पहले ये हम सबका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम अपने मन के अंदर क्या है एक जयघोष लगा के उनके सामने प्रकट करेंगे। प्रियंका गांधी।